साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं खबरों की बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त इंदौर से, जहां पर कानून व्यवस्थाओं को लेकर अहम बैठक होगी। वहीं भीम शिवराज सिंह व्यवस्था की समीक्षा, व्यवस्था की समीक्षा, इंदौर उज्जैन के सभी दफ्तरों को किया गया तलब। तो खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर उज्जैन और इंदौर की घटना के बाद अब आला अफसरों को पुलिस को कड़े संदेश यहां पर निर्देश यहां पर दे सकते हैं। तो वहीं खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक सीएम शिवराज करेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षा। वहीं इंदौर उज्जैन के सभी अफसरों को किया गया तलब। इंदौर और उज्जैन की घटना के बाद सीएम एक्शन मोड में, तो वहीं आला पुलिस अफसरों को दे सकते हैं कड़े निर्देश। शाम को ब्रिलियंट कन्वेक्शन सेंटर में होगी अहम बैठक। तो गिरी, पहले मैं आपसे इस बात पर चर्चा करना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी बैठक होने वाली है कानून व्यवस्था को लेकर, क्या कुछ लगता है कि इस बैठक में क्या कड़े संदेश या कड़े निर्देश यहाँ पर दे सकते हैं अफसरों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंदौर और उज्जैन में जो घटनाएं घटी थी उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री चिंता में थे और उसको लेकर जो है आज पूरे इंदौर और जिले के पुलिस आला अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शाम को जो है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पूरी समीक्षा बैठक करेंगे। रनिया, बिल्कुल। अगर ये देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से इंदौर की घटना हुई उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि ये जो धर्म के ऊपर घटना हुई है, ना कहीं लव जिहाद से भी जोड़ के देखा जा रहा है इन मामलों को कि लव जिहाद का मामला पहले उठा था, अब वही वापस धर्म के ऊपर कानून व्यवस्था जो है आ गई है, क्या लगता है? देखिए, जिसने भी जिस तरह से उन्मादी व्यक्तित्व होते हैं उनको लेकर सरकार कई बार सख्ती रखती है और अगर इस तरह की कोई घटना है और जो जानकारी पुलिस के माध्यम से सरकार के पास पहुंची है उस आधार पर मुख्यमंत्री बैठक करते हैं। मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं और इसको लेकर, लेकिन अब वो चूंकि इंदौर दौरा है उनका और इंदौर दौरा रहते हुए उनकी एक अहम बैठक है, तो ये तो बैठक के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर बैठक का क्या महत्व होगा। तो हमारे साथ फोनलाइन पर बीजेपी नेता विशाल राजौरिया जुड़ चुके हैं। विशाल राजौरिया, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। विशाल जी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में बैठक बुलाई, उज्जैन और इंदौर के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, आखिर क्या कुछ मामला है सर? ये एक धार्मिक उनका कार्यक्रम था मुस्लिम समाज का, उसको लेकर वो एक अपना बड़े साहब का एक जुलूस निकालते हैं। उस जुलूस निकालने के दौरान एक स्थान पर जहाँ उनका घोड़े रखने का स्थान है वहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होने के दौरान रात में कुछ वहाँ पूजा पाठ उनकी पद्धति के दौरान और इकट्ठे हो रहे के दौरान कुछ नारेबाजी हुई और नारेबाजी में उस भीड़ में से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जोर शोर से लगाए गए। तो उसको लेकर स्थानीय हमारा जो उज्जैन का प्रशासन है उसने उसको मामले को संज्ञान में लेते हुए लोगों को वीडियो और फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है और इस पर कार्रवाई की है। लगभग कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई होगी सर? मुझे लग रहा है लगभग अभी तक 8-9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और 15-16 अन्य लोग और भी हैं जिनको पुलिस जांच करके आइडेंटिफाई कर रही है। अच्छा, मतलब अभी कुछ लोग चिन्हित नहीं हो पाए हैं विशाल जी? हाँ, मतलब प्रक्रिया में है, पुलिस अपनी इंटरनल प्रोसेस में उसकी पूरी प्रक्रिया कर रही है कि कौन लोग हैं, कैसे हैं और किसने क्या बोला है। सर, ये घटना एग्जैक्टली है कहाँ की विशाल जी? ये उज्जैन पुराने शहर में खजूर वाली मस्जिद एक एरिया है, वहाँ गीता कॉलोनी लगी हुई कॉलोनी है, वहाँ पर समाज के ताजिए और घोड़ा रखने का एक स्थान है, वहाँ की घटना है। जी जी, ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नहीं, ये वो घटना है जिसमें जो है जिसको लेकर जो है पुलिस ने प्रशासन ने कार्रवाई की थी और ये जानकारी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंची अनन्या, और उसके बाद जो है इंदौर की भी घटनाओं को अगर कोरिल के कल जैसी देखा हुआ आपने, बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कानून व्यवस्थित रहे, व्यवस्था पूरी दुरुस्त रहना चाहिए, उसको लेकर लगता है मुझे जिस तरह की बात हो रही है तो उसमें लगता है कानून व्यवस्था सुचारू और संचालित हो सके, किसी तरह की उन्मादी गतिविधियां ना उत्पन्न हो पाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री एक अहम बैठक करेंगे, ये बात हमें समझ में आ रही है। रनिया, बिल्कुल,
अगर देखा जाए कि यहाँ पे तो जिस तरीके से इंदौर में घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत तो है ही, लेकिन ऐसे में प्रशासन को क्या कुछ अपने आप से कदम उठाने चाहिए? देखिए जो कानून व्यवस्था की जो बैठक होगी, खासकर जो SP और IG और इंदौर के और उज्जैन के जो बुलाए गए हैं, उसमें ये पता लगेगा कि आखिर वो अपनी रिपोर्ट क्या सौंपते हैं। मुख्यमंत्री उसको पूरा संज्ञान में लेकर और जो अभी तक उनके पास जानकारियां हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का इंटेलिजेंस भी होता है, इंटेलिजेंस के आधार पर जब खबर जाती है तो वो पता लगता है, फिर वो पूरा समग्र उसका विश्लेषण होगा, समीक्षा होगी और आगे किस तरह की रणनीति जिला प्रशासन की रहेगी और सरकार क्या उसमें निर्देश देती, खासकर मुखिया, अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्देश क्या देंगे, ये महती बात होगी, क्योंकि वो शाम को लगभग 5 से 6 बजे के बीच में बैठक होना जो हमारी जानकारी है उस आधार पर। जी, अगर यहाँ पे कानून व्यवस्था को देखा जाए तो जिस तरीके से इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर देख सकते हैं कि हर चीज में नंबर वन है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में जो है गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले भी कई सारे से मामले सामने आए थे, अब फिर यह मामला सामने आया, तो क्या लगता है कि इंदौर में कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने की जरूरत है सच में? देखिए, जब बड़ा शहर होता है, आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, ये अपराध तो होते रहते हैं, लेकिन अगर अपराधों के नियंत्रण की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि पुलिस की हिला वाली है, लेकिन कई बार क्या घटनाक्रम ऐसे हो जाते हैं जिसमें समझ में नहीं आता, संज्ञान में नहीं ले पाते, इस कारण ही दिक्कत आती है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आज बैठक जो होगी उसमें क्या कह सकते हैं कि तमाम आला अफसर जो है मौजूद रहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि इंटेलिजेंस जो है इस पर चर्चा करेगी, उसके बाद जो है सीएम कुछ निर्णय ले सकते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे में जो इसमें आरोपी हैं या फिर जो भी इसमें दोषी हैं उनको किस तरह की सजा दे सकते हैं? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात है कि इंदौर और उज्जैन के SP और IG से पूछा जाएगा कि जो घटनाएं घटी हैं उसकी अभी स्टेटस रिपोर्ट क्या है। स्टेटस रिपोर्ट से मतलब आशय यह है कि बड़ी बात है कि वो तब SP और IG वहां जानकारी देंगे अपनी, क्योंकि मामला मेरी जहां तक जानकारी है उसमें उज्जैन SP ने बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल, हमारे साथ फोन लाइन पर एडिशनल SP अमरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र जी, आपका स्वागत है पहले तो कार्यक्रम में। अमरेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूँ उज्जैन की घटना के बारे में थोड़ा सा आप हमें समझाइए। इसमें एक जो बेसिकली नारेबाजी हुई आपत्तिजनक, उसको लेकर के पुलिस ने एक इसमें FIR रजिस्टर्ड की है थाना जिवालीगंज में, और जो प्राइमरी कार्रवाई होती है वो की है। कुछ जो लोग थे, लगभग अब तक 15 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और बाकी काफी और भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी। सर, ये शाम को जो बैठक होने वाली है, जैसा कि आप लोगों को भी मुख्यमंत्री ने बुलाया है, तो क्या इसी संदर्भ में पूरी बैठक है? सर, इस संबंध में कोई अभी अपडेट नहीं है मुझे। जी, तो अभी और चिन्हित किए जा रहे हैं सर इसमें? हाँ, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन है और इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन और पुलिस इज कलेक्टिंग ऑल द रेलिवेंट जो भी रेलिवेंट पार्ट्स है, एविडेंसेस है, उनको कलेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अनन्या, देखिए एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह ने भी हमें तमाम जानकारी दी, तो ये मामला जो है, लेकिन जिस तरह से विशाल राजूरिया जी ने बताया कि 7-8 लोगों को चिन्हित किया, लेकिन एडिशनल SP चूंकि पुलिस महकमा है, उन्होंने कहा कि 15 लोग चिन्हित हुए और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो मामला अभी गंभीर है। लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि ये जो बैठक बुलाई गई है इसमें इंदौर और उज्जैन के मसलों पर बातचीत होगी। तो ये पूरा मामला था उज्जैन इंदौर का, बात यहाँ पर कर लेते हैं।